गोरे ने मुझसे कहा था कि तुम गुलाम हो। हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। आज जवाब देने का वक्त आ गया है। हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लंबे समय से अक्षय कुमार के फैंस उनकी फिल्म केसरी का इंतजार कर रहे थे और आज फाइनली ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। फिल्म के ट्रेलर से तो पहले ही पता चल गया था ये फिल्म सारागढ़ी के युद्ध पे आधारित है जो 12 सितंबर 1897 को लड़ा गया था। करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म केसरी वाकई काबिले तारीफ है। वैसे तो अक्षय कुमार अपने अभिनय के साथ साथ अपने फिटनेस के लिए भी काफी मशहूर है और इस फिल्म में आपको उनका बेहद अलग अंदाज और नया लुक देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं उन्होंने अपने केसरी अंदाज से अपने फैंस के लिए अब क्या नया किया। बाहर कम से कम 10,000 है और हम 21। अगर फिल्म की बात करें तो इस फिल्म की कहानी उन 21 सरदारों की है जिन्होंने 10,000 अफगानी सिपाहियों का बहादुरी से सामना किया और शहीद हो गए। इस फिल्म में अक्षय कुमार आपको एक सिख रेजिमेंट के अफसर के रूप में नजर आएंगे। जैसा कि फिल्मों में अभिनेता या अभिनेत्री मुख्य पात्र में दिखाई देते हैं, ठीक वैसा ही इस फिल्म में भी सारा फोकस अक्षय कुमार पे है और अक्षय कुमार ने अपनी बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी अपना बेस्ट दिया है। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा उनकी पत्नी के किरदार में नजर आई। भले ही फिल्म में परिणीति चोपड़ा के सीन कुछ कम हो, लेकिन प्रेमिका से पत्नी बनने का किरदार उन्होंने बहुत खूब निभाया है। अगर इस फिल्म के म्यूजिक की बात की जाए तो इस फिल्म में म्यूजिक को पूरे देसी अंदाज में दिखाया गया है और हो सकता है ये देसी पना लोगों को ज्यादा लुभावना ना लगे, पर फिल्म के एक्शन सीन में आने वाला म्यूजिक आपको बहुत पसंद आएगा। इस फिल्म में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग डायलॉग सुनने को मिलेंगे जो थिएटर के बाहर भी आपके माइंड से उतरेंगे नहीं। अब फिल्म का यही डायलॉग ले लो। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जब बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। अक्षय कुमार ने सिखों द्वारा बोले जाने वाले इस लहजे को बखूबी पकड़ा और डायलॉग डिलीवरी बहुत शानदार तरीके से दी। बेसिकली इस फिल्म में आपको सुख, दुख, भावुकता और बहादुरी जैसे मिक्स रिएक्शन देखने को मिलेंगे और इस फिल्म में हर सीन को इतनी बारीकी से दर्शाया गया है कि हर किरदार का काम आपको साफ साफ नजर आएगा। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अक्षय कुमार की अब तक की फिल्मों में से ये सबसे बेस्ट थी और हमारी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं पूरे 3.5 स्टार्स।